आज है 6 दिसंबर 2022। डॉलर रुपए में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले लास्ट वीक में हमने ऑब्जर्व किया था उसी का एक फर्दर कंटिन्यूएशन है। आपको अगर याद होगा मेरा जो 2nd और 3rd दिसंबर के एनालिसिस पे मैं इस बारे में स्ट्रेस दिया था कि डॉलर रुपी शॉर्ट थोड़ा केयरफुल हो जाइए बिकॉज यहाँ पे रेंज शिफ्ट का एक RSI taking support at 60, some sort of range shift is also there. That being the case, dollar rupee, ये जो RSI है, it will be coming towards 60. तो ये आपका 41, 42 levels है, ये आपका 60 तक आ चुका है. अभी है 60.81 on RSI तक. थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. आपका दिसंबर एंड 5th दिसंबर का, मेनली 5th दिसंबर का आप अगर एनालिसिस देखोगे वहां पे मैंने यहाँ पे एक अलर्ट डाला था कि ये केयरफुल हो जाइए डॉलर रुपी शॉर्ट्स बिकॉज आरएसआई डेली आरएसआई टेकिंग सपोर्ट एट 40। दैट बीइंग द केस यहाँ से फिर वो आरएसआई 60 तक जा सकता है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि मैं भी इतना शार्प रुपी डेप्रिसिएशन आपका 81, 15, 20, 25 लेवल से एक रुपया शार्प एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल एक शार्प एप्रिसिएशन था आपका 81.30 से 81.80 तक 50 पैसे का और आज उसका फर्दर कंटिन्यूएशन हो रहा है। वट एवर मे बी द रीजन मीन्स सम बिग क्लाइंट आउटफ्लोज आर देयर और दिस इज हैपेंड दैट इज हैपेंड ऑल दीज आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट। यहाँ पे मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ आपका टेक्निकल एस्पेक्ट। फंडामेंटल में आप काफी कुछ देखोगे, डॉलर इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, उसके बाद ये डाटा खराब आया, वो डाटा खराब आया, ये गुजरात इलेक्शंस के लिए शायद कुछ मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, इसका आउटफ्लो है, उसका आउटफ्लो है। तो कहने के लिए फंडामेंटली सो मेनी रीजंस आर देयर, लेकिन टेक्निकली मैं आपके सामने एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिसके लिए मैं ये स्पेशल प्रेजेंटेशंस ला रहा हूँ। आपका पहला वाला है आपका ये वाला जो है, दिस इज डेली चार्ट, दिस इज डेली चार्ट, और आपका यहाँ पे ये वाला वीकली चार्ट एंड ये वाला हो गया आपका मंथली चार्ट। दैट बीइंग द केस अभी हमें थोड़ा सा स्पेशल फोकस देना है All these three perspectives. अभी देखिए जब ये RSI 40 में था डेली का, उस समय आपका वीकली जो RSI था वो 60 पे था एंड मंथली RSI is already above 60, सुपर बुलिश मोड में है। तो एज पर डेली एनालिसिस RSI अभी 60 में आके रुका हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते एज ऑफ, लेकिन ये जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो वीकली अबव 60 एंड मंथली अबव 60, अभी स्पेशली भी अबव वीकली अबव 60, हालांकि आज मंगलवार है और 3 ट्रेडिंग डेज बाकी है, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। सो ये जो कैंडल वीकली कैंडल अभी करेंटली हम देख रहे हैं इट इज अंडर फॉर्मेशन, इसको कंप्लीट होने में अभी भी बाकी है। लेकिन आप अगर RSI को देखोगे एट ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60, ये एडवांस इंडिकेशन से क्योंकि कैंडल फ्राइडे के लिए हमें इंतजार करना है जो अभी भी 3.5 डेज, आज का पूरा ट्रेडिंग डे बाकी है एंड आपका वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे बोले तो आपका आरबीआई के पॉलिसी से, थर्सडे बोले तो आपका गुजरात इलेक्शंस का रिजल्ट है एंड फ्राइडे, सो सारे 3 दिन का ट्रेडिंग एक्टिविटीज अभी भी बाकी है। सो ये जो कैंडल है ऐसा भी हो सकता है बाय द एंड ऑफ द वीक आपका एक नेगेटिव कैंडल में कन्वर्ट हो जाए समथिंग लाइक दिस और ऊपर में एक वीक आ जाए, इस टाइप का आपका हो सकता है। अगर होता है
तो रूपी के लिए बहुत ही बढ़िया है, एंड इन सच ए केस आरएसआई जो है ये आपका 60 के नीचे आ जाएगा। अगर नहीं होता है देन इज द मेन कॉन्सर्न, वहां पे आपका मेन कॉन्सर्न उसी जगह पे आपका मेन कॉन्सर्न है। क्या कॉन्सर्न है उसी को लेके ये प्रेजेंटेशन से एडवांस अलर्ट ऑन डॉलर रुपी। मान लेते हैं बाय फ्राइडे जो कैंडल है इसी टाइप का कुछ कैंडल फॉर्म होते हैं, समथिंग लाइक दिस ओनली बुलिश कैंडल। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन बना देते हैं, सो ये बुलिश कैंडल हो गया। एंड आरएसआई आपका जो है आरएसआई इज टेकिंग सपोर्ट हियर, आपका ये आरएसआई 60 के ऊपर सपोर्ट ले लेता है। इन सच ए केस डॉलर रुपी में बहुत ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट सपोर्ट एट 60, सपोर्ट एट 60 ऑन वीकली टाइम रुपी में बहुत गंदा फॉर्मेशन हो सकता है। इट इज नॉट द कॉन्फर्मेशन, क्योंकि कॉन्फर्मेशन के लिए अभी भी 3.5 दिन बाकी है, आज का पूरा दिन ट्यूजडे का, देन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। हम एज्यूम करते हैं कि फ्राइडे को अगर इसी टाइप का कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म होता है एंड आरएसआई इस टाइप का सपोर्ट ले लेता है एट 60, इन सच ए केस डॉलर रुपी फिर फर्दर डेप्रिशिएट होना चालू हो जाएगा। इट्स एन एडवांस अलर्ट। ऐसा भी हो सकता है बाय फ्राइडे आपका जो कैंडल है समथिंग लाइक दिस, आपका समथिंग लाइक दिस इस टाइप का एक कैंडल हो सकता है ऊपर आपका, एक ऐसा करके क्विक हो सकता है। ये अगर हो गया तो रूपी के लिए बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं हुआ देन द प्रॉब्लम इज, सो वी नीड टू वेरी केयरफुल बाय फ्राइडे डॉलर रूपी कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये इसी टाइप का मिसफॉर्मेशन हो जाता है तो आने वाले दिनों में इसका जो हाई है, हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो ऑल टाइम हाई है उसको चैलेंज करने वाला है डॉलर रुपी। सो वेरी केयरफुल अबाउट डॉलर रुपी बाय वीकेंड फ्राइडे। सो इसी का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आया हूँ, आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर।